कवि शरत चंद्र कहते हैं, एक बार संदेह का बीज मन में पड़ जाए तो व्यक्ति जैसे अपने शत्रु पक्ष पर संदेह करने लग जाता है, वैसे ही मित्र पक्ष से भी उसका विश्वास उठ जाता है। इसलिए कभी भी मन में संदेह नहीं करना चाहिए। चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज है 19 नवंबर 2022 और वार है शनिवार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो चलिए इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत करते हैं। तो पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हमारा घर का हाल बेहाल हो गया है। सारा सामान इधर उधर, सारे कपड़े जूते सब कुछ बाहर निकला हुआ है। तो आज मैं उसी में लगूंगी। तो मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, छोटों को प्यार बड़ों को प्रणाम। चलिए शुरू करती हैं लोग। तो सबसे पहले मैं सारी साफ सफाई करने के बाद, नहाने को सपाट करने के बाद अभी आ गई हूँ आपके साथ। चलिए शुरू करती हूँ काम। सबसे पहले मैं आई थी अपने रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर, तो मदर को फिर करवा के मैंने दूसरे रूम में छोड़ आई हूँ। और अभी मैं अपना बेड सही कर लेती हूँ। चलिए मेरे साथ। और वो पीछे का सामान जो आपको दिख रहा है बेड पे, वो मैं जब नाइट में वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो मधुर के सोने के बाद करती हूँ। वैसे भी मेरी कई वीडियो में आवाज़ बहुत कम आती है, वो इसी यही कारण है कि मधुर सो जाता है तो उसके पास मैं तेज नहीं बोल सकती और फिर ज़्यादा लेट हो जाती हूँ वीडियो एडिटिंग करते करते। तो मैंने ये सारा सामान यहीं पर रख देती हूँ, सुबह संभालती हूँ इसको। तो लो जी, अभी मैं जुट गई हूँ अपने काम में। आज बहुत सारा काम करना है तो फिर फटाफट से करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपना बेड सही। और बेड पे ये मैंने इतने बिस्तर क्यों बिछा रखे हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताऊँगी। अभी मधुर हुआ है 9 मंथ का और मधुर का कोई विश्वास नहीं है, वो कभी भी सुसु कर सकता है। और पूरे बेड पर कभी इधर कभी उधर किधर भी जाके बच्चा है सुसु कर सकता है। तो सुसु गद्दे के अंदर ना जाए, बेड के अंदर ना जाए, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा ऊपर बेडशीट के ऊपर ही सारा सामान रखती हूँ, जैसे अलग अलग बनाई हुई है खल्ली। तो इसलिए मुझे ये बार बार बेडशीट ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस 2-3 दिन में एक दिन बेडशीट सही से करके और ये ऊपर वाले रोज़ रोज़ साफ़ कर लेती हूँ, झड़का लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। और ये है कल की वीडियो। कल दोपहर में लगभग 3:15 बजे मैंने मेहंदी लगा ली थी और हम 5:30 बजे गए थे प्रोग्राम में। तो उससे पहले मैंने 1.5 घंटा मेहंदी लगाई थी क्योंकि मधुर सो गया था और बाकी के काम भी मैंने कंप्लीट कर लिए थे टाइम से। तो फिर मैंने सोचा वीडियो भी बन जाएगी थोड़ी बहुत और मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मुझे मेहंदी का बहुत शौक है तो मैं मेहंदी लगा ली। और फिर 1.5 घंटे रखने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। ज़्यादा अच्छी तरह से तो नहीं कलर आया पर ठीक ठाक रच गई मेरी मेहंदी। और अभी मैं आ गई थी किचन में। सुबह बेड साफ करने के बाद हमने दूध वूध पिया, बर्तन साफ करे, 2-3 चाय के ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आते ही मैंने एक साइड रखती थी मूंग चावल की खिचड़ी और एक साइड मैं सौंक दूंगी साग। तो ये सब्जी बनेगी और मूंग चावल की खिचड़ी बनेगी, तब तक मैं फटाफट से साइड में गूंथ लूंगी आटा, तो फिर थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। और वैसे काम करते टाइम हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं क्योंकि मेरे को मधुर को भी संभालना होता है बार बार में, कभी फीड करवाना होता, कभी उसने सुसु कर दिया कुछ और कभी वो रोने लग जाता है, अकेला नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और फिर मुझे काम करते टाइम वीडियो बनानी होती है तो फिर हर एक काम में 4-5-10 मिनट ज़्यादा लग जाती है। तो ये देखिए मैंने अभी दोनों चूल्हों पर रख दिया है सब्जी और खिचड़ी, और अभी मैं साथ के साथ आटा गूंथ लूँगी और फिर फटाफट से बना दूँगी रोटियाँ। रोटियाँ बनाने के बाद मैं देखूँगी कोई दूसरा काम। और अभी हो गए हैं दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी मधुर बस थोड़ा सा ही सोया है। वो तुरंत जबकि जब उठ गया था उसके बाद पूरा दिन निकल गया, मधुर नहीं सोया था। तो अभी थोड़ा सा सोया तो मैंने सोचे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं तो इनको मैं पहले तो अलग अलग कर लूँगी, जो फोल्ड करने वाले हैं उनको फोल्ड कर दूँगी और जो
प्रेस करने वाले उनको अलग रख दूंगी और सीधे जो हैंगर के लटकाने वाले हैं वो हैंगर के लटका दूंगी, क्योंकि वो शाम को ही पहनने हैं तो फिर उनको फोल्ड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा काम है। तो ये सारे कपड़े इतने हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो पूरा दिन हमारा आज बहुत बिजी रहा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कल की वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन वाली घंटी दबा लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, डेली ब्लॉग डालती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप मेरे साथ जुड़े रहना। आप मेरी डेली वीडियो देखते हो, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और वैसे भी मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।